हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाली वीडियो में आपने देखा था दर्पण समीकरण के बारे में, और दर्पण इक्वेशन आपके पास में ये आई थी कि वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी, यानी कि ये वन अपॉन एफ यानी कि एफ क्या है, फोकस दूरी, यू क्या है बिंब दूरी, और वी क्या है प्रतिबिंब दूरी है। ठीक है, तो ये आपका बिंब है ये, और इसके लिए आपके पास में ये क्या बना था, प्रतिबिंब बना था। प्रतिबिंब कैसा बना था, उल्टा बना था। ठीक है, अब यहां से लेकर यानी बिंब से लेकर यहां P तक जो डिस्टेंस है उसको हम ले रहे थे U, यानी कि बिंब दूरी। ये आपका प्रतिबिंब है, यहां से लेकर यहां तक जो हम डिस्टेंस ले रहे थे वो क्या ले रहे थे, प्रतिबिंब दूरी V। और यहां पर आपका फोकस बिंदु F है, तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस ले रहे थे हम क्या ले रहे थे, F ले रहे थे। ठीक, बट हमने अभी तक क्या बात नहीं की, हमने अभी तक बिंब और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उनके आकार के बारे में अभी तक हमने कोई डिस्कशन नहीं किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, बिंब और प्रतिबिंब इन दोनों के आकार के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखें आप, ये बिंब की हाइट है वो हम मान लेते हैं एच, और ये जो आपका प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की हाइट हम मान लेते हैं एस डैश। ठीक है, तो इन दोनों के अनुपात को हम किस प्रकार से डिस्कशन करेंगे उसको देखें आप। हम पढ़ रहे हैं आप दर्पण का रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो दर्पण का रेखीय आवर्धन है या रेखिक आवर्धन है, रेखिक आवर्धन, रेखिक आवर्धन इज इक्वल टू होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। ठीक है, रेखिक आवर्धन को हम सामान्यतः एम से लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं। यहां पर जो बिंब की हाइट है, सॉरी पहले हम प्रतिबिंब की जो हाइट है वो क्या है एस डेस, और बिंब की हाइट क्या है एच, या फिर हमको हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डेस बी डेस अपॉन ए बी के रूप में। यह तो क्या हो गया आपका ए डेस, ये क्या है बी डैश, और ये क्या हो गया ए बी। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। बट चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार यदि इनको हम लिखें तो आपको ये वाला ट्राइंगल देखना पड़ेगा। ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, यही लिख देता हूं मैं, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी से, यानी कि जो मैं मार्क घुमा रहा हूं, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ही ट्राइंगल आपने जब दर्पण समीकरण प्राप्त की थी तब आपने देखे थे, दोनों को आपने समरूप सिद्ध किया था और एक इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, वही इक्वेशन अब मैं यहां पर लिखने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप देखते रहे उसको। ठीक है, तो आपने यहां पे लिखा ये ए बी ए डेस बी डेस अपॉन इसकी हाइट और इसकी हाइट अपॉन ए बी अपॉन ए बी। ठीक है, इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ए ए डैश पी अपॉन अपॉन क्या लिख सकते हैं ए पी, यानी कि ए पी। ये आपके पास में शायद इक्वेशन टू या थ्री आई थी, पहले वाले डेरिवेशन में आई थी। ठीक है, उसी को मैं यहां रिपीट कर रहा हूं। ये डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया ताकि आपको यहां पर समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आप जान गए होंगे कि किस प्रकार से आया है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप होने पर यानी कि इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है एस डैश, ए बी क्या है एच है, ए डैश पी यानी कि ए डैश पी ये वाली डिस्टेंस क्या है वी है, और ए से लेकर पी तक ये आपकी बिंब दूरी क्या है यू है। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी लागू करने पर, चिन्ह परिपाटी लागू करने पर, तो चिन्ह परिपाटी लागू करने पर हम इसको लिखेंगे ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश। तो हम ये नीचे की तरफ माप रहे हैं, तो जो है डिस्टेंस वो किस मिलेंगे, माइनस मिलेंगे, तो माइनस एस डैश अपॉन ए बी अपॉन ए बी। ए बी के हम इस प्रकाश लक्ष्य से ऊपर की तरफ माप रहे हैं, तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इज इक्वल्स टू ए डैश पी, ए डैश पी, तो ए डैश पी है, हम यहां से लेकर यहां तक मापेंगे, तो ऐसे मापेंगे तो आपतित प्रकाश किरण के डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है, तो ये भी हम डिस्टेंस क्या लेने वाले हैं, नेगेटिव में लेने वाले हैं। ठीक है, तो माइनस वी अपॉन अपॉन
क्या है एपी, तो एपी यानी पी से लेकर ए तक हम डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे। तो ये कौन सी आपकी बिंब दूरी है, और बिंब दूरी को हम किससे लिख रहे हैं, यू से। और ये भी क्या है आपके प्रकाश की किरण की डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए इसको भी हम माइनस साइन इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, माइनस से यदि हम कैंसिल करें तो हमारे पास में रिजल्ट ये आ गया, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब इस इक्वेशन में यदि हम इक्वेशन वन में इससे इक्वेशन थ्री से यदि वैल्यू पुट कर दें तो रेखीय आवर्तन एम क्या हो गया, अतः दर्पण के लिए, सुनते रहे आप, अतः दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन, या रेखीय भी बोल सकते हैं, रैखिक आवर्धन आवर्धन एम इज इक्वल टू क्या हो गया, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। इसकी वैल्यू इस प्रकार से हम शिफ्ट करके इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास में जो एम की वैल्यू आई है वो किस रूप में आई है, एम का फॉर्मेट हमारे पास में यह है माइनस वी अपॉन यू आया है। ठीक है, अब यदि हम वी अपॉन यू की वैल्यू यहां पे लिख दें, दूसरी वैल्यू पुट कर दें, किससे कर दें कि हमारे पास में इस दर्पण वाले समीकरण वाले डेरिवेशन में, यानी कि दर्पण समीकरण है आपने जब पढ़ा था, दर्पण समीकरण पढ़ा था, तब उसमें यह कंडीशन ऐसी आई थी, परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं परंतु, कि हम ये जानते हैं कि v अपॉन u इज इक्वल टू v माइनस f अपॉन f, ये वाली एक कंडीशन आई थी, ये वाली एक कंडीशन आई थी, यानी v अपॉन u के यदि इसमें हम वैल्यू पुट कर दें तो m की वैल्यू क्या होगी, माइनस v माइनस f अपॉन f, यानी कि हमने यहां पर v और v अपॉन u की वैल्यू पुट कर दी, v अपॉन u की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी और माइनस का चिन्ह ऑलरेडी है, तो m का एक अन्य फॉर्मूला बन गया, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, या करके हम एक अन्य फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस, m इज इक्वल टू माइनस हाँ f अपॉन u माइनस f। ठीक है, अब इन तीनों फॉर्मूलों की हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक तो फॉर्मूला आपके पास में ये आया है, ढंग से सुने, ध्यान से सुने, थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपका वीडियो थोड़ा छोटा बने, आपका नेट थोड़ा कम खर्च हो। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो वी और यू में है, ये वाला फॉर्मूला किस में है, वी और यू में है, और ये वाला फॉर्मूला किस किस में है, वी और एफ में है, वी और एफ में है, और ये वाला फॉर्मूला किस में है, एफ और यू में है। तो आप ये वाले दोनों फॉर्मूले हैं वो भी डायरेक्ट याद रखें। ठीक है, ये वाले दोनों फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद रखें, और इस फॉर्मूले को आप इस प्रकार से थोड़ा सा करके इस प्रकार से लेकर आ सकते हैं, या फिर इसको भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा चलते हैं, दर्पण का रैखिक आवर्धन क्या है, तो आपको यहां पर इस फॉर्मूले से ही पता चल रहा होगा कि क्या है, कि किसी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है वो अनुपात ही क्या कहलाएगा, रैखिक आवर्धन कहलाएगा। ठीक है, तो आप भली बात इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसकी हम डिस्कशन करते हैं कि v अपॉन u का मान ये कैसे आया, तो इसको मैं थोड़ा सा सरल करके आपको बता रहा हूं, यानी कि आपके पास में है वी अपॉन यू इज इक्वल टू वी माइनस एफ अपॉन एफ, इसको मैं वज्र गुणा कर दूं तो ये हो गया वी एफ इज इक्वल टू यू वी माइनस एफ, ऐसे हो गया। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो वी एफ इज इक्वल टू यू वी माइनस यू एफ। ठीक है, अब इसमें यदि हम यू वी एफ का भाग दे दें, यानी यू वी एफ का भाग दे दें, यू वी एफ की यदि हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पर हमारे पास में क्या आएगा, वी से वी कैंसिल हो गया, एफ से एफ कैंसिल हो गया, यानी कि वन अपॉन यू आ गया, इज इक्वल टू यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, यानी कि वन अपॉन एफ आ गया, माइनस यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यानी कि वन अपॉन वी आ गया। इसको मैं इधर ट्रांसफर करूं तो ये हो गया वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, जो कि हमारे पास में क्या है, दर्पण समीकरण है। ठीक है, इसको यदि हम बैक बैक घुमाएं तो ऐसे करके हम यू वी अपॉन यू की वैल्यू इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, और जैसे हम वी अपॉन यू की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ये वाली वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला एक बन जाता है नया। ठीक है, और इसी प्रकार से हम यू और एफ में भी ये वाला फॉर्मूला डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको अभी क्या करना है, एक ये फॉर्मूला याद करना है, एक ये फॉर्मूला याद करना है, और एक ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद रखें क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आ सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपको कभी भी एक नंबर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि रेखीय आवर्धन क्या है, तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, इन दोनों का जो अनुपात है वही क्या है, रेखीय आवर्धन है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो लेंस के बारे में भी हम क्या पढ़ेंगे, रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे, उसको भी आप देखेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अब अपने एक नए टॉपिक की तरफ। अब यहां तक चैप्टर में जो पहला जो चैप्टर का जो पहला पार्ट था वो था प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन यहां तक कंप्लीट हो गया है। परावर्तन के लिए हमें सामान्यतः दर्पण चाहिए या कोई परावर्तक तल चाहिए,
ठीक है। तो इन दोनों के हिसाब से हमने चैप्टर को कवर किया है। एक समतल दर्पण के बारे में छोटा सा हमने डिस्कशन किया है और फिर हमने गोले दर्पणों के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। तो अपना जो परावर्तन का जो चैप्टर है वो यहीं क्लोज होता है। अब अपना नया जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो है अपवर्तन, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, नया टॉपिक। तो चलिए फिर आप नए टॉपिक के बारे में देखें। तो आपने रेखीय आवर्धन के बारे में देखा और रेखीय आवर्धन से संबंधित आपको दो चीज और याद करनी है। यदि n का मान पॉजिटिव है तो आपका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वो कैसा होगा? प्रतिबिंब सीधा होगा और आभासी बनेगा, ठीक है। यदि n का मान पॉजिटिव आए तो प्रतिबिंब है वो सीधा और आभासी बनेगा, और यदि n का मान नेगेटिव आए तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। ये दोनों बात भी आप इसमें ध्यान में रखें, ठीक है बेटा। इसको इंपॉर्टेंट है ये दोनों बातें। कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उसमें आपसे प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी जाती है कि प्रतिबिंब कैसा रहेगा आपका, ठीक है, यानी कि उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, हवासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, खां बनेगा, इसकी स्थिति वगैरह, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? देखें, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि हम क्या ले रहे हैं, यहां पर ले रहे हैं माध्यम वन और यहां पर ले रहे हैं माध्यम टू। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस प्रकार से मुड़ने की जो घटना है, ठीक है, अपने पथ से जो विचलित होने की जो घटना है, उस घटना का ही क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन नाम है, ठीक है। इसके लिए आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, ठीक है, किसी एक ही माध्यम की बात करें, यानी प्रकाश हवाई हवा में चल रहा है, उसका कोई औचित्य नहीं है। और हवा में भी यदि हवा का यदि घनत्व है कहीं कम और कहीं ज्यादा ऐसा हो रहा है, उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, तो भी आप उसको मतलब भिन्न भिन्न माध्यम मान सकते हो। जहां घनत्व है, जहां अब जैसे आपको पता चला कि माध्यम क्या वायु है, अब वायु में भी वायु की जो परतें होती हैं, विभिन्न परतों में उनका घनत्व भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तब हम उनको भी क्या मान सकते हैं? भिन्न भिन्न माध्यम मान सकते हैं। उसी प्रकार की हम कल्पना कर रहे हैं कि हमारे पास में दो माध्यम है, एक माध्यम वन है और दूसरा माध्यम टू है। इसका अपवर्तनांक एन वन है और इसका अपवर्तनांक एन टू है। एक नया शब्द आया है अपवर्तनांक, ठीक है। अब माध्यम का अपवर्तनांक इसमें हमने मान लिया एन वन है और इसमें कितना है? एन टू है, ठीक है। अपवर्तनांक को हम थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे, पहले हमारा टॉपिक है अपवर्तनी होंगी। इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो हम मान लेते हैं वी वन और इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो वी टू, ठीक है। यानी कि आपने पहले ही सुन रखा है कि भिन्न भिन्न माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हविलंब की। एक हविलंब खींचते हैं, हविलंब का मतलब ये जो दो माध्यमों का जो पृथक्कारी तल है, इस पृथक्कारी तल पर एक हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं जो इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाए, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका दो माध्यमों को पृथक करने वाली लाइन होगी। अब जैसे इस पर कोई एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और आपतित होने के पश्चात ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो दूसरे माध्यम में हम ये सोच रहे हैं ये प्रकाश की किरण वो सीधी जानी चाहिए, प्रकाश की किरण है वो क्या जानी चाहिए? सीधी जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इस माध्यम पर डिपेंड करेगा कि माध्यम संघन है या विरल है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अपने पद से हमने मान लिया कि ये इस प्रकार से विचलित हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया आपतित प्रकाश किरण और ये क्या है? अपवर्तित प्रकाश किरण, ठीक है। हविलंब और आपतित प्रकाश किरण के मध्य बना कोण, यानी कि आपतन कोण आई कहलाएगा, ठीक है।
ठीक है। और ये अभिलंब रहा आपका, ये अभिलंब इस दूसरे माध्यम में, यह अभिलंब और ये आपकी क्या है अपवर्तित, अपवर्तित प्रकाश किरण, इन दोनों के मध्य बना कोण यानी कि आर, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे अपवर्तन कोण। यानी कि आई क्या है आपका आपतन कोण और आर क्या है आपका अपवर्तन कोण। अभी तक हम आर को क्या पढ़ रहे थे, प्रावर्तन कोण पढ़ रहे थे, बट अब यहाँ पर आपको एक नया नाम ध्यान में रखना है अपवर्तन कोण। आप जल्दीबाजी में अपवर्तन प्रावर्तन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे और टेस्ट या एग्जाम में आप इनको उल्टा पुल्टा लिखने का प्रयास करोगे और ज्यादातर बच्चे लिखते भी हैं, बट आप इसी को अभी से ही ध्यान दे लें कि हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं या फिर प्रावर्तन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब दोबारा सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो ये वाली घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या होने वाला है वो भी आप साथ में देख लीजिए। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यानी कि विरल माध्यम से यदि संघनन माध्यम में प्रवेश करे, संघनन माध्यम में या संघनन माध्यम में प्रवेश करे तो क्या होगा, यानी विरल से संघनन माध्यम में प्रवेश करे तो क्या होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर मान रखा है कि यहाँ पर जो माध्यम है वो हमने विरल मान रखा है और यहाँ पर जो माध्यम है हमने क्या मान रखा है, संघनन मान रखा है। ठीक है, जब विरल माध्यम से संघनन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, यह बात आपको याद रहेगी। ठीक है, और यदि इसका उल्टा हम ऐसे कर लें, इसी में समझ लीजिए आप, यहां पर हम मान लें कि यह संघनन माध्यम है। ठीक, और ये इसको हम मान लें कि विरल माध्यम मान लें। ठीक, जैसे प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, बट ऐसे नहीं जाती है। अब इसका अभिलंब किधर है, इधर है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण ऐसे जाने वाली थी, ठीक है, तो अब किधर घूमेगी, अभिलंब से दूर, तो अभिलंब से दूर इधर हुआ, जैसे मेरा मार्कर है, तो ये इस वाले डायरेक्शन में प्रकाश की किरण जाएगी। तब हम क्या बोलेंगे दूसरे पॉइंट पे, जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये दो टेक्निकल पॉइंट है, इन दोनों टेक्निकल पॉइंट को भी आप इस प्रकाश के अपवर्तन में याद रखने का प्रयास करेंगे। फिर हम पढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यानी कि अपवर्तन के नियम। ठीक है, अब जरा आप याद कीजिए प्रावर्तन के नियम क्या थे। ठीक है, प्रावर्तन के नियम क्या थे वो आप याद कीजिए, आपको याद होगा शायद। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर अपवर्तन के भी नियम पढ़ने वाले हैं। तो पहला नियम आप देखिए, आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब, ये आपका क्या है अभिलंब, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पर अभिलंब। ठीक है, ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिक्स हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने पहले इसको पढ़ रखा है इसी लैंग्वेज को। दूसरा नियम क्या कह रहा है आपको। ठीक है, एक शब्द आएगा ज्या, ज्या का मतलब होता है, मैथमेटिक्स के बच्चे वो समझते हैं कि ज्या का मतलब क्या होता है, साइन। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या, यानी आपतन कोण क्या है, आई की ज्या, यानी कि साइन आई। ठीक है, और अपवर्तन कोण की ज्या, यानी अपवर्तन कोण क्या है, आर, तो अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि इसका मतलब हुआ साइन आर। ठीक है, तो मैं सेकंड नियम है उसको लैंग्वेज के रूप में बता रहा हूं पहले, तो आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत रहता है, यानी कि कॉन्स्टेंट रहता है, इन दोनों का जो अनुपात वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो हम दोबारा बोल सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, यानी कि हम इन दोनों का अनुपात क्या मानते हैं, नियत मानते हैं, और यही क्या कहलाएगा आपका, स्नेल का नियम भी बोलते हैं इसको।
स्नेल का नियम। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, स्नेल का नियम क्या है, तो आपको लिखना है कि प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, यही स्नेल का नियम है। ऐसे सिंपल भाषा में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चले हम। अब नियत वाली जो बात है, या करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अपवर्तनांक के रूप में साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू वन क्या है, ये भी नियत है। एन टू वन भी क्या है, नियत है। अब एन टू वन क्या है उसको भी अभी हम अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं, आप एक बार देखते रहें। और वैसे आपने ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो टेंथ क्लास में पढ़ रखे हैं, आपको ज्यादा वैसे भी कोई परेशानी होने की बात नहीं होनी चाहिए आपके सामने। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। ठीक है, एन टू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन टू अपॉन एन वन। ठीक है, यहाँ पर एन वन और एन टू क्या है, माध्यम वन और टू के क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको एक बार समझ लेंगे। दोबारा देख सकते हैं आप इसी क्रम को कि प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने पद से विचलित हो जाती है, सिंपल बात है। यदि आपका माध्यम, यदि आपकी प्रकाश किरण विरल से संघनन माध्यम में प्रवेश करे तो अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका उल्टा भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, यदि संघनन से विरल में प्रवेश करे तो इसमें क्या होगा कि अभिलंब से दूर हट जाती है। ये दोनों ही पॉइंट हैं अभी आपको काम में लेने हैं, यूज में लेने हैं। कब लेने हैं, जब हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे तब ये वाले दोनों पॉइंट अच्छे से काम आएंगे। फिर आपने पढ़ा था कि प्रकाश की अपवर्तन का नियम क्या है, तो पहला नियम आप समझ ही गए हैं और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, सिंपल बात है। ठीक है, और फिर इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नियत यानी कि एन टू वन यानी कि दो माध्यमों का जो अपवर्तनांक का अनुपात है वो भी क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, तो हम इसको अपवर्तनांक के रूप में लिखना चाहेंगे स्नेल के नियम को, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि इतना ही ज्ञान यहाँ पर उचित होगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखते रहे आप। अभी आपने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखा कि बार बार एक शब्द याद शब्द विश्व का मानता अपवर्तना है। ठीक है, माध्यम का अपवर्तना, तो अब हम इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि माध्यम का अपवर्तना क्या है। ठीक है, प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल, में चाल यानी कि सी, वह प्रकाश की किसी माध्यम में चाल, माध्यम में चाल वो हम मान लेते हैं V। ठीक है, और इन दोनों का जो अनुपात है वह अनुपात ही क्या कहलाएगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है उसमें हमें उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है उसका हमें भाग देना पड़ेगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करते ही हमारे पास में क्या आ जाएगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक आ जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक अपवर्तनांक बराबर क्या लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक को हम लिखते हैं हमारे तक एन से या म्यू से भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में आपको इसको म्यू से भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू प्रकाश की चाल को सामान्यतः सी से लिखते हैं और किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसको हम ले लेते हैं वी। ठीक है, तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास में, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। अब इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, प्रकाश के निर्वात में चाल तथा किसी माध्यम में चाल का अनुपात है उस माध्यम का क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखें इसका मात्र के बारे में बात करें कि अपवर्तनांक का मात्र क्या है, तो चाल चाल का मात्र क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यहां पर भी चाल है तो मीटर पर सेकंड, तो मात्र क्या कुछ नहीं है, मात्र हीन राशि है,
मात्रक हीन राशि, अपवर्तनांक क्या है, मात्रक हीन राशि है, ये भी आप याद रखें। इसके बाद में है एक शब्द आता है अपेक्षिक या फिर सापेक्ष अपवर्तनांक, अपेक्षिक अपवर्तनांक, अपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, अपेक्षिक अपवर्तनांक, तो अपेक्षिक अपवर्तनांक की क्या है, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वही क्या कहलाता है, अपेक्षिक अपवर्तनांक। यानी कि किसी माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है, किसी माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है, जो अपवर्तनांक होता है वही अपवर्तनांक क्या कहलाएगा आपका, अपेक्षिक अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। जैसे हमने किसी माध्यम वन के लिए ले लिया, माध्यम एक का अपवर्तनांक, ठीक है, तो माध्यम एक का अपवर्तनांक मान लिया हमने एल वन। ठीक है, तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो इस फॉर्मूले से हम डिफाइन करेंगे, किसी माध्यम को हम स्पेसिफिक रूप से डिफाइन कर रहे हैं तो हमें 1, 2, 3 का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम माध्यम 1 की बात कर रहे हैं तो 1 के लिए हम मान लेते हैं उसका अपवर्तनांक L की जगह कितना है, L1 है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है वह मान लेते हैं V1, तो अपॉन V1। ठीक है, यानी निर्वातन चाल तो C रहेगी, ठीक है, और उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है, V1, तो L1 इज इक्वल टू C अपॉन V1। फिर माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक वो हम मान लेते हैं N2। प्रकाश की निर्वातन चाल है वो तो C रहेगी और उस माध्यम में जो प्रकाश का वेग हो वो हमने मान लिया V2। ठीक है, तो C अपॉन V2। अब हम ये देखें माध्यम, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक उसको हम क्या लिखेंगे, N21। माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष, यानी माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष, 2 का 1 के सापेक्ष, तो N21। ठीक है, तो N21 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब इसमें आप N2 और N1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, तो वैल्यू पुट करते ही आपके पास में आ गया N21 इज इक्वल्स टू, N2 की वैल्यू आपने पुट की तो N2 की वैल्यू यह रही C अपॉन V2, N1 की वैल्यू यह रही C अपॉन V1, C से C क्या हो गया कैंसिल, तो N21 इज इक्वल्स टू ये बचा आपके पास में 1 अपॉन V2 अपॉन 1 अपॉन V1। ठीक है, V1 घूमकर कहां गया ऊपर और ये V2 कहां आ जाएगा नीचे, तो क्या हो गया N21 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। ठीक है, तो ये क्या है, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। अभी आपने स्नेल के नियम में एक स्टेप देखी थी, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N21 लिखा था, इसका वैल्यू आपने लिखा था N2 अपॉन N1, इस प्रकार से लिखा था। ठीक है, तो N21 क्या है, N21 क्या है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष क्या है, अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या है वो आप ये देख लीजिए, सापेक्षिक या अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, एक माध्यम का दूसरे माध्यम में सापेक्ष से भी हम बात करें तो उसका क्या कहलाएगा, अपेक्षिक अपवर्तनांक, और अपेक्षिक अपवर्तनांक ये है। ठीक है, तो N21 ही क्या है आपका, अपेक्षिक अपवर्तनांक है, कौन से माध्यम के सापेक्ष, कौन से माध्यम का है, माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का है। कई बार ऐसा उल्टा भी लिखते हैं N12, तो N12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N2, यानी कि माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। और इस वाले फॉर्मूले पर, सापेक्ष अपवर्तनांक वाले फॉर्मूले पर अक्सर बोर्ड में न्यूमेरिकल जरूर आता है। ठीक है, तो वो आपके अभी आपको क्या करना है कि जो आपकी जो राजस्थान बोर्ड वाली जो बुक है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप सॉल्व जरूर करें। ठीक है, तो अपवर्तनांक के बारे में बस इतना ही है, भली बातें समझ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे प्रकाश पर आधारित, प्रकाश की अपवर्तन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं।